अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में एडिशन सीखेंगे। टू एक्सप्रेशन की एडिशन कैसे होती है? आप फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस गिवन हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन नेम दे दिया, सेकंड एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम ऐड करेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन को। तो आप इसको वर्टिकली भी सॉल्व कर सकती हैं, हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकती हैं, जो आपको ईजी लगे वही मेथड आप अप्लाई कर दें। प्लस करके ये फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख के प्लस करके सेकंड एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है, प्लस 10। अब इसमें देखिए, आप लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगी, 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ अरेंज कर दें, माइनस 5x प्लस 5x एंड देन cos 10 माइनस 10 प्लस 10, ओके। 4 प्लस 2 बिकम 6x स्क्वायर, दिस विल बी कैंसिल एंड माइनस 10 प्लस 10 इज ऑल्सो कैंसिल, सो वी गेट 6x स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस हो गई, एडिशन ऑफ थ्री एक्सप्रेशंस का भी यही रूल है। अलबत्ता एक्सरसाइज में या आपके पास क्वेश्चंस फ्रैक्शन में हैं तो फ्रैक्शन में आपको प्लस का साइन लगा के एलसीएम लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 देख लें, सब्ट्रैक्शन का भी आइडिया मैं आपको दे दूँ इसके अंदर कि टू एक्सप्रेशंस को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड 8y स्क्वायर प्लस 2 इज़ द सेकेंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगी, सब्ट्रैक्ट दिस, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड एक्सप्रेशन है आपके पास, तो 8y स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15 बनेगा, ठीक है। आपने फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने इसको अरेंज कर दिया, 8y स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस प्लस 15, साइन चेंज हो गया, बाय साइन माइनस का है, ठीक है। उसके बाद लाइक टर्म्स को अरेंज करें, 8y स्क्वायर के साथ माइनस वाई स्क्वायर अरेंज हो जाएगा, माइनस 4y के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, प्लस 2 प्लस 15, इक्वालिटी का साइन लगाना ज़रूरी है। अब इसमें देखें, 8 में से 1 को माइनस करें तो 7y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 17, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो टू एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो बता दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग इसी तरीके से आप मज़ीद क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकती हैं। तो आई होप आपको समझ आई, इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, ठीक है। लाइक टर्म्स को आपने कैसे अरेंज करके उसको साइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, ठीक है, ओके।